आइए आज हम आपको स्क्वायर निकालना सिखाते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है कोई नंबर है उसको उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करा जाए तो जो नंबर मिलता है वो स्क्वायर कहलाता है। देखिए कैसे होता है ये, हम कुछ एग्जांपल दे करके आपको एक नए तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे 97 है, ये 97 है, इसका स्क्वायर लाना है। तो देखिए 97 में हम इसका नियरेस्ट ऐसा नंबर जो जिसकी टेबल हमें आती हो, जैसे 100 है, 1000 है, राउंड ऑफ जैसे निकालते थे उस तरीके से, अगर हम इसमें 3 प्लस कर दें तो देखिए मिलेगा आपको 100। और इसको इसी में से 3 माइनस करके, 97 से 3 माइनस कर दें तो आएगा 94। ये मल्टीप्लाई करके फिर इसमें प्लस कर देना है इनका स्क्वायर, यानी 3 × 3 मतलब 9, ये कर देना है। बस रिजल्ट आपके हाथ में है, ये 20 लिखे हुए हैं तो यहां पर आएगा 9400, एक और आएगा लेकिन 9 जब जोड़ेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। तो अब देखिए 97 का स्क्वायर कितनी आसानी से आपने एक ही लाइन में बिना मल्टीप्लाई किए आपको आ गया। देखिए चेक भी कर लीजिए ये सही भी है या नहीं, यानी 97 को अगर हम 97 से मल्टीप्लाई करते तो देखिए क्या करते, 7 7 49 9 7 63 और 4 67। अब 9 से पढ़ लीजिए इसकी टेबल, 9 7 63 और 9 9 81 और 6 87, ये हुआ। इसको ऐड कर देते तो ये 9 आ जाता और 7 और 3 10 और 7 6 और 1 मिलाते तो 14 आ जाता और ये 19 आ जाता। देखिए वही आया जो इस शॉर्टकट मेथड से बहुत आसानी से आपने एक ही लाइन में जवाब निकाल लिया था। ये प्राप्त करने में आपको केवल 2 3 10 20 सेकेंड में ही आप इसको कर पाए, बहुत कम समय लगा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखिए नए नए तरीके से मैं इन चीजों को बता रहा हूं। आइए कुछ एग्जांपल्स और दिखाते हैं। आइए कुछ बड़ा नंबर लेते हैं थोड़ा सा, जैसे 988, इसका स्क्वायर निकालना है। अगर हम इसको इससे ही मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, जो आएगा वही नंबर इसका स्क्वायर कहलाता है। तो इसको देखिए 988 लिखा हुआ है, इसमें अगर हम 12 प्लस कर दें तो 1000 हो जाएगा। तो नीचे हम माइनस कर देते हैं और एक बार प्लस कर लेते हैं, प्लस करके जो नंबर आता है उसको हम यहां लिख लेते हैं। और ऐसा नंबर आना चाहिए जिसकी टेबल या 00 बढ़ाना है, 1000 की टेबल पढ़ने में कितना आसान होता है। तो नियरेस्ट नंबर जब हम ढूंढते हैं तो कोशिश करते हैं ऐसा नंबर हो जिसकी मल्टीप्लाई करना, जिसको टेबल पढ़ना हमें आसानी से आ रहा हो। इनटू लगाइए, अब इसमें से 12 को माइनस करके लिख दीजिए, इसमें 12 प्लस करके यहां लिख लिया, इसमें 12 माइनस करके लिख लीजिए तो आएगा 6 और 8 में से बन जाएगा 7 और 9, ये आएगा। प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख दीजिए, 144, बस इतना काम करना है। अब देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 976 आएगा और प्लस 30 आएंगे, तो जो 30 आने वाले हैं उसमें जोड़ेंगे तीनों जीरो के नीचे ये आ जाएगा, तो 144। इस तरीके से इसका स्क्वायर यही आएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक करिए, देखिए क्या यही आता है। अगर आता है तो मेरा ये तरीका आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। चेक करिए, देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारी नई नई चीजें आपको जानने को मिलेंगी। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, थोड़ा और बड़ा नंबर करते हैं तब क्या होता है। जैसे एक नंबर है 1025, ये नंबर है। अब यहां पर दो तरीके हैं, एक तरीका मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं जिसमें 5 लास्ट में होता है, उस तरीके से कीजिए। लेकिन यहां पर जो मैं तरीका बता रहा हूं उसी तरीके से देखें, तो देखिए 5 अगर इसमें से माइनस हो जाए तो हमें एक
ये 25 माइनस कर लीजिए तो बचेगा 1000, इनटू करना है यही 25, इसमें ऐड कर देना है, मतलब प्लस 25 कर देना है, तो आएगा 1050, ये आएगा प्लस 25. देखिए क्या आने वाला है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इतना ऐड कर देना है, ये क्या लिखा हुआ है 25 को 25 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाता है। अब यहां पर 1050 और उसके आगे तीन जीरो आने वाले हैं, इसके बाद तीन जीरो आएंगे, तो उन तीन जीरो के नीचे ऐड करेंगे तो यही तो नंबर आएगा 625। देखिए यही रिजल्ट है, एक लाइन में आपको इतना बड़ा स्क्वायर मालूम हो जाता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए। धन्यवाद।